तो ये हमारा पीसीबी हमने हर बार की तरह इस बार भी आयरन से प्रेस करके बनाया है। आयरन से प्रेस करके पीसीबी कैसे बनाते हैं अगर आप नहीं जानते तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और अभी हम इस पीसीबी में कॉम्प्रेस माउंटिंग करेंगे। तो सिंगल सेटेड पीसीबी में पहले लगेगा एक पीस जंपर, दो पीस रेजिस्टेंस है 2.2 के क्वार्टर वाट में। यहाँ पर जितने भी सारे रेजिस्टेंस है सारे क्वार्टर वाट में लगेंगे। दो पीस रेजिस्टेंस है 200 के, दो पीस रेजिस्टेंस है 100 के, एक पीस रेजिस्टेंस है 150 के, एक पीस रेजिस्टेंस है 680 ओम, एक पीस कैपेसिटर है 470 pF जिस पर ये 471 लिखा रहता है, एक पीस कैपेसिटर है 330 pF, एक पीस कैपेसिटर है 102 pF, तीन पीस कैपेसिटर है 104 pF जिस पर 100 NF लिखा हुआ है, एक पीस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है 1 AF 63 V में, एक पीस कैपेसिटर है 2.2 AF ये भी 63 V में, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है 4.7 AF 63 V में। चार पीस डायोड है 1N4007, एक पीस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 7815, आप चाहते हैं आप 7812 भी यूज कर सकते हैं, और एक पीस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 7915, आप चाहे तो 7912 भी लगा सकते हैं। दो पीस 2 पिन कनेक्टर है 2.54 mm का, और एक पीस 3 पिन कनेक्टर है 2.54 mm का, एक पीस कैपेसिटर है 473 pF, एक पीस आईसी बेस है 8 पिन का, दो पीस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है 1000 AF 25 V में, दो पीस सिंगलटन पोटेंशियोमीटर है 47 के, एक पीस एलईडी है 3 mm का, बोर्ड पलटने पर अगर आपके कंपोनेंट्स गिर जाते हैं तो आप इस टाइप के पेपर टेप की यूज कर सकते हैं। बहुत लोग इसे टिश्यू टेप भी बोलते हैं। इसको आपको सारे कंपोनेंट्स के ऊपर ऐसे लगा देना है जिससे कि जब भी आप बोर्ड पलटेंगे तो ये कंपोनेंट्स नहीं गिरेगा और आप अच्छी तरीके से कटिंग और सोल्डरिंग कर सकेंगे। तो अभी हमने पूरे बोर्ड पर ये टेप लगा दिया है और पलटने पर ये कंपोनेंट्स नहीं गिर रहा है। और अभी हम इन कंपोनेंट्स की पिन को काट लेते हैं। इस बोर्ड की लो पास फिल्टर के लिए हम यहाँ पर 4558D आईसी यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो नीचे दी हुई लिस्ट में से कोई सा भी ओप एम्प आईसी यूज कर सकते हैं। इस बोर्ड के ऑडियो इनपुट के लिए हम यहाँ पर 3.5mm जैक का सॉकेट यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई सा भी ऑडियो सोर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दोनों लेफ्ट और राइट को एक साथ में शॉर्ट कर दिया है क्योंकि ये बोर्ड मोनो पे चल रहा है। और दोस्तों इसका फीमेल कनेक्टर तो मिल गया पर मेल कनेक्टर नहीं मिला, इसलिए हमें इसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करना होगा। तो अभी हम इसको वायर से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आउटपुट में हम यहाँ पर इन दो वायर को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो कि 12012 2A का ट्रांसफार्मर है। आप चाहे तो 750mA या फिर 500mA का ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पोटेंशियोमीटर के नॉब, तो इनको इन पोटेंशियोमीटर के ऊपर लगा लेते हैं। बोर्ड को कंप्लीट करने के बाद आपको इसको डायरेक्ट ऑन नहीं करना है, इसको आपको सीरीज लैम्प के थ्रू ऑन कर लेना है। तो अभी हम इन सीरीज लैम्प के वायर को ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर सीरीज लैम्प में लाइन दे देंगे। तो यहाँ पर हमने सीरीज लैम्प में लाइन दे दिया है। यहाँ पर बोर्ड का लाइट ग्लो कर रहा है और यहाँ पर सीरीज लैम्प ग्लो नहीं करना चाहिए। और अभी हमको एक मल्टीमीटर लेना है जिसको हमें DC 20 की रेंज पर सेट कर लेना है। और यहाँ पर हमें बोर्ड की इनपुट और आउटपुट में वोल्टेजेस चेक कर लेना है। वोल्टेजेस यहाँ पर 0.0 दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज 0.0 दिखा रहा है, यानी बोर्ड एकदम परफेक्ट है। और दोस्तों यहाँ तक हमारा ये जो बोर्ड है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन एकदम ऑल पर दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।